To Kesa Kai Public! Very good morning to all of you. Aaj hai Sunday ka din aur time ho raha hai 5:17 aur apan nikal chuke hain subah subah. Aaj neend khul gayi aur ride karne ka kafi din se man kar raha tha. Ek hoti hai na wo chul mach rahi thi ride karne ki, to nikal chuke hain. तो अभी मेरे साथ जा रहा है मेहरान एज अ पिलियन. तो काफ़ी बारिश हो चुकी है, अभी भी थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है. आई गेस ये बारिश छूट जाएगी थोड़ी देर, मतलब ये जो ड्रिजल हो रही है ना वो छूट जाएगी. अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, अचानक से होने लगी. तो मेरे साथ जा रहा है मेहरान, अभी उसको पिक करते हैं, उसके आगे का प्लान बताता हूँ आपको कि है क्या प्लान. तो रोड्स की कंडीशन कुछ ऐसे हो जाती है हमारे यहाँ बारिश के दिन में. एक्चुअली सारे जगहों का यही प्रॉब्लम है आई गेस. थोड़ी सी ड्रिजलिंग तेज हो चुकी है अब. इसलिए मैंने वाटरप्रूफ केस ले लिया था कैमरा का. उसी से ही आज व्लॉगिंग करना है क्योंकि मॉनसून्स आर गोइंग ऑन और कभी भी बारिश हो सकती है. मुंबई वालों को तो पता ही होगा यार. तो पहुंचने ही वाले हैं बस मेहरान के घर. एंड लेट्स डिसाइड कि करना क्या. अभी तो यार बारिश ने सुबह सुबह उठा था, मैं 4 बजे के करीब तो निकलने का प्लान था उसी वक्त सवेरे थोड़ा, लेकिन बारिश ने कर दी थी प्लान की माँ की प्लान की माँ की. अपन पहुंच चुके हैं. It's drizzling. हल्का हल्का पहन भी चुका हूँ मैं. तो अब इसको कॉल करते हैं, आते हैं नीचे. तो आगे का प्लान आपको बताता हूँ. अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि बाइक में पेट्रोल है कम, तो पहले पेट्रोल लेना होगा. कहीं भी जाने से पहले मुझे लेना ही पड़ता है क्योंकि पेट्रोल कम ही रहता है बाइक में मेरी. खुद की बेइज्जती. तो अभी अपन जा रहे हैं कुशियार गांव. और ये लैला कौन है आप लोगों को रास्ते में बताता हूँ कि लैला है कौन. तो पेट्रोल लेना है, उसके बाद कुशियार गांव वाले रोड पे मैं गया हूँ एक बार. अररिया वाली वीडियो डाला था RC390 के साथ, लेकिन उस वक्त कैमरा पे बोलने की उतनी अच्छी आदत थी नहीं, तो फिर मज़ा नहीं आया बस वाले ब्लॉग में. तो इस बार ही शायद ही मज़ा आया आप लोगों को, शायद ही क्या, शायद ही नहीं, मतलब कन्फर्म मज़ा आने वाला. क्योंकि इस बार थोड़ा वॉइस क्वालिटी शायद अच्छा हो, आई डोंट नो कि कैसा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है. लेकिन मैंने क्या किया कि हेडफोन्स लगा के फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और बाकी जो बाकी आप लोग समझ जाओ. तो अराउंड ये बहुत छोटी सी राइड होगी, अराउंड 40-45 किलोमीटर्स है यहाँ से. और बस जाना है और लैला 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 लेना के बारे में बताऊंगा आप लोग को बहुत जल्द.
एंड यार इतनी दिनों से वीडियो डाल नहीं रहा था क्योंकि 80% उसमें आलस थी और 20% कोई कंटेंट नहीं था। तो आपका जो भाई है ना वो आलसी बहुत है, एक बार कोई चीज़ छोड़ देता हूँ ना तो फिर करने का मन नहीं करता। तो आपका राशि आलसी राशि तो सुबह सुबह लोग निकलते हैं मॉर्निंग वॉक भी बहुत ही अच्छी बात है। और अब पेट्रोल फिलअप कराता हूँ बाइक पे, उसके बाद मिलता हूँ। तो पेट्रोल ले लिया और अभी थोड़ी सी ड्रिजलिंग तेज़ हो गई लेकिन जाने लायक है तो जाते हैं अपन आगे तक, कहीं देखते हैं कहीं चाय वाय मिलती है। तो वी आर हैविंग ए मानसून राइड, प्लान नहीं था कुछ ऐसा मानसून राइड का लेकिन हो गया, अब मानसून है तो क्या कर सकते हैं। और यार आप लोग बताओ कि आप लोग मानसून में घर में रहना पसंद करते हो या बाहर? अपन तो बाहर में ही ज़्यादा मज़ा आता है, कार रहते कार पे राइड पे जाने में ज़्यादा मज़ा आता है मानसून में, क्योंकि यार उसमें मज़ा है बिना भींगे बारिश का मज़ा लेने अलग ही मज़ा होता है मेरे दोस्त। और ड्रिजलिंग कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई, मेरे को वाइजर गिराना पड़े। तो कैमरा पे भी पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा लेकिन इतना चलता है। आज बस जाना था तो जाना था राइड, बहुत दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बनाया था। तो आज अगर बाहर भी आ जाती ना तो अपन एक नाव खरीदते, उस पर बाइक चलाते और तब मोटो व्लॉगिंग करते इफ दैट कैन हैपन। मतलब ऐसे आई एम जोकिंग। और सुबह के टाइम पे ना ये ट्रक्स ट्रैक्टर ज़्यादा ही आते जाते हैं सुबह में, लाइन बाजार जो है वहाँ पे नो एंट्री नहीं लगी हुई रहती है, तो जो भी उधर से आ रहे होते बस उस वाले NH से वो सीधे सीधे ही आते जाते रहते हैं। तो ज़्यादातर वो लोग कोशिश करते हैं कि सुबह के टाइम में क्रॉस कर ले लाइन बाजार, क्योंकि उसके बाद नो एंट्री लग जाती है तो अलाउड नहीं करते लोग, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया है। और देखो यार कार के मज़े तो वो लेट है ये बच्चा मेहनत करते हुए स्कूल जा रहा है और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वाइजर पे पूरा पानी के ड्रॉपलेट्स जम गए और अपन आ गए हैं अभी कटिहार मोड़। सो आगे देखते हैं कहीं अगर हो ऐसा कुछ चाय वाय की टपरी तो ये बच्चे RS लेके घूम रहे हैं, RS 200। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बाइक लेकिन यार वाइब्रेशन वाला कोई प्रॉब्लम दूर कर देना उस बाइक पर, तो यार बाइक काफ़ी अच्छी है, बस पीछे का टेल सेक्शन अच्छा नहीं लगता मेरे को। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो ऐसे तैसे जैसे ये भैया पानी उड़ाते हुए उड़ा जा रहे हैं तो अपन भी बदला लेंगे नहीं बदला नहीं लेते अपन अपन अच्छे इंसान हैं, शरीफ इंसान तो ऐसा होता था ना, आप लोग एक स्टोरी बताता हूँ। तो मैं था 8th क्लास की बात है, तो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रखा था तो पूरे रोड पे पानी जमा हो गया था और मैं जा रहा था अपने दादा के घर। तो जब जा रहा था मैं अपने दादा के घर तो पूरे बारिश था और दो तीन साइकिल वाले जा रहे थे, तो दो तीन साइकिल वाले बहुत तेज़ी से जा रहे थे पानी पर, मैं स्कूटी से धीरे धीरे जा रहा था तो सारा पानी मेरे ऊपर आ रहा था।
तो मैंने क्या किया कि मैंने भी स्कूटी की रेस तेज कर दी। सोच लिया यार मैं भींगूंगा भींगूंगा, उनको नहीं छोड़ना। तो उनको कूड़ा भिगा दिया मैंने ऊपर से नीचे तक, और फिर वो घर तक भी आए थे मेरे से बात की, बोला ऐसा क्यों किया तुमने। तो मैंने बोला यार तुमने पानी के छींटे पड़ाए मेरे ऊपर, देखो मेरे यार सेट का क्या हाल हुआ है। तो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल इनोसेंट था, मैंने उसके साथ गलत किया। वो जैसा था उसके साथ वैसा हुआ। दुनिया ऐसी ही है, जो जैसा उसके साथ अगर वैसा करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहो, जो चीज़ में अच्छे हो तो सिर्फ वही करते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये किसी महान व्यक्ति ने कहा था, नाम भूल चुका हूँ मैं तो उसके लिए सॉरी। लगता नहीं कि बारिश और होगी, लेकिन गूगल पे दिखा रहा था कि वेदर ऐसा ही रहने वाला है काफ़ी देर तक। बाइक में भी कुछ वैसा सिस्टम आ जाए ना, एकदम ऊपर से छत वत आ जाए, बारिश में भी एकदम बस राइड करें। कोई भी राइडर सही रहेगा ना। और अभी अपन पहुँचने वाले हैं 0 माइल, अगला स्टेशन 0 माइल, लेकिन गाड़ी शायद ही वहाँ रुकेगी। तो चाय की टपरी जहाँ भी रहेगी गाड़ी वहीं पे रुकेगी। तो अपने स्टेशन है चाय की टपरी 0 माइल है स्टेशन, लेकिन वहाँ शायद ही रुके। एंड छोटे मोटे वाटर क्रॉसिंग मिलते रहेंगे क्योंकि इट्स मॉनसून गाइस। मेरा एक्सेंट थोड़ा सा अजीब हो गरीब टाइप का, क्योंकि इंग्लिश वाले एनवायरनमेंट में रहा नहीं मैं बचपन से कभी भी, स्कूल में भी नहीं, तो है अजीब हो गरीब आदमी है, अजीब हो गरीब राशिक आपका राशिक। आई गेस कि बोरिंग सा हो गया होगा काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़े आगे से गए। तो गाइस मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, अभी बारिश तेज़ हो गई थी तो थोड़ा ज़्यादा ही रुक गए हम लोग, चाय यहाँ पे पी रहे थे, चाय पी रहे थे यहाँ पर। और बाइक का हल देख लो कुछ ऐसा है, तो अब राइड कंटिन्यू करते हैं और ऐसे तैसे जैसे आज तो मोटो ब्लॉग कम्प्लीट करके रहेंगे, वीडियो पूरा बना के रहेंगे। और यहाँ पे तो उसके पीछे टेंट का हॉल दिखाता हूँ अपने मोटो को। आई थिंक तो विद इन द कैमरा इज डूइंग जस्टिस, लेकिन थोड़े टीचर से बढ़ गई थे, यही होता है स्पोर्ट्स बाइक का, समझ में आया क्या। सो लेट्स कंटिन्यू। ग्लव्स भी भींग चुका है मेरा पूरा। कल मैं ये सोच ही रहा था कि बारिश में, और अपना भाई है बहुत बड़ा पागल, बैग भी नहीं लिया कि फोन वोन रख सके। चलो कोई बात नहीं, एक बहुत फेमस सा ही कह लो, यहाँ पे आते जाते लोग इधर उधर ट्रैवल करते थे, यहाँ रुकते थे, अच्छे भी होते हैं। आई होप कि कैमरा एंगल सही होगा, और अपन को जाना है भी सीधे सीधे। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि लैला कौन है। तो लैला मैंने अपनी बाइक का नाम रखा है। यस यू हर्ड इट राइट, आई हैव नेम्ड माई बाइक लैला। लैला काफ़ी सूट करता है इसको, नहीं? तो रिसेंटली लैला की 6th सर्विसिंग हुई है जो कि पेड थी, तो उस पर खर्चे हुए हैं अराउंड 1300, जिसमें से 1200 रुपये सर्विस पे खर्च हुए हैं और 1200 में इंक्लूडिंग था 300 रुपये लेबर चार्ज। और क्या क्या हुआ है ये बता देता हूँ आप लोगों को। इंजन ऑयल चेंज हुई है बाइक की, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, एयर फिल्टर चेंज हुआ है,
पीछे वाला ब्रेक ऑयल चेंज हुआ है, हैंडल टाइट हुआ है, बस ये सब तो 1200 रुपये खर्चे हुए। और जो 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा, जो 1300 बताया मैंने आपको, वो लगा मेरे को पॉल्यूशन पेपर बनाने का। पॉल्यूशन पेपर मतलब पॉल्यूशन फेल हो चुका था गाड़ी का, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा ही हो गए, तो वो बना लिया क्योंकि राइड पे भी जाना था। तो बस यही, और क्या, बाकी सब बढ़िया है। और मौसम देख रहे हो कितना मस्त है। और वीडियो का टाइटल होने वाला है अ मॉनसून राइड विद लैला। तो हो सके तो आगे एक स्ट्रेच है तो उसमें बाइक खींचूँगा, तो मज़ा लो यार आप लोग भी वीडियो का। और क्या, बाकी सब बढ़िया। सेट और हेलमेट दोनों है ना, तो लगे नहीं लगे, यही तो दिक्कत है स्पोर्ट बाइक को। ये जो ट्रक वाले हैं ना गाइस, ये बिल्कुल बीच में जलाते हैं रोड के, और उनके जो पीछे लिखा होता है ना कि हॉर्न दो, आवाज़ दो, वो जब आप हॉर्न दोगे तभी एक साइड लेन पे आएंगे, तभी आपको साइड देंगे जाने के लिए। और एक चीज़ बताना तो भूल ही गया कि मेरी जो बाइक है उसके पीछे वाला जो फुट पैक है पिलियन का, उस पर वाइब्रेशन आ गया था एक साइड पे, तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन करती थी 6000 RPM के ऊपर। तो उस पर अपन वाशर लगवा के उसको जब सर्विस में गई थी तो उसको भी ठीक करवा ली, तो एकदम भी बिल्कुल भी नहीं वाइब्रेशन करती। तो अगर आपकी भी बाइक में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप भी ठीक करवा सकते हो वॉशर लगवा के, और थैंक यू बाद में बोल देना। कुत्ता मरते हुए बीच रोड में, कुत्ता सुसाइड कर रहा है सर। चले है नहीं तो यही है कुछ यार, गाँव पाए गाँव से भी पाए, और यहाँ पे अपन को दे दुखता ओ माय गॉड। आई थिंक आई गेस की सुबह खुलता नहीं है, वो बंद है, तो अंदर जा नहीं पाएंगे, फिर कभी अंदर आएंगे और अपनी मम्मा के लिए जाएंगे। और क्या, बाकी सब बढ़िया। तो सही बात है, अभी रुके हुए हैं पार्क के बाहर में, और सोचा कि आप लोगों से थोड़ा फेस टू फेस बात कर लूं। और यहाँ पे देखो ये लैला बहुत ही खूबसूरत लगते हैं यहाँ पे। तो यार
सीन कुछ ऐसे ही कि अब वापसी जाने वक्त मैं कुछ व्लॉग व्लॉग करूँगा ना, ये सेम रोड क्या दिखाऊँगा नया। तो अभी हम लोग यहीं पे रुकेंगे, बगल में चाय वाय पीते हैं, कुछ बातें बातें करते हैं। मुझे ना अपने दोस्तों के साथ जाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। किसी को सोलो जाने में मज़ा आता है, किसी को ग्रुप राइडिंग में मज़ा आता है। तो मुझे मज़ा आता है दोस्तों के साथ जाने में, सोलो में भी मज़ा आता है लेकिन दोस्तों के साथ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो यही थी एक कोशिश मेरी आप लोगों के लिए। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। इफ यू गाइज एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड शेयर करो मेरा चैनल यार। सो विद दैट नोट गाइज, आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग राइट नाउ राइट हियर। रुको रुको एक सेकेंड, लैला के साथ एंड करेंगे आज ब्लॉग। सो विद दैट सेड गाइज, आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग राइट नाउ राइट हियर। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग वेरी सून। बाय।